नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम का सबसे पॉपुलर डिबेट शो 10 का दंगल और मैं हूं आपके साथ अंजीत। जिस मुद्दे पर महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल गया, राज ठाकरे के उस अल्टीमेटम का आखिरी दिन निकल जाने के बाद आज अजान वर्सेस जय हनुमान का घमासान ऐसा तेज हो गया है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की सांसें फूलने लगी हैं। जगह जगह अजान के जवाब में लाउड चालीसा चल रही है। हिंदुत्व पर आई इस चोट से तिलमिलाई सियासत ऐसे जोर मार रही है कि राज ठाकरे पर 14 साल पुराना केस तक खोल दिया गया है। कुछ और मामलों की वजह से भी उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हम हर अपडेट सबसे पहले आपको दिखाएंगे, क्योंकि जी हिंदुस्तान के हमारे कई सहयोगी, हमारे कई संवाददाता मुंबई में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। साथ ही कई सवालों का सामना करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। सवाल है, जब लाउड अजान से परेशानी नहीं, फिर जय हनुमान साजिश कैसे? और साथ ही सवाल है, माहौल कौन बिगाड़ रहा है, राज ठाकरे या शिवसेना? आखिर संजय राउत ने क्यों कहा कि दंगों की साजिश हो रही है और इसकी सुपारी ली गई है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। हनुमान चालीसा पाठ करने पर कई एमएनएस कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। पालघर में एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर के पालघर में एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। एरोली में एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। नासिक में एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यही है मुंबई से, जहां पर ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो गया, यानी राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे। और इधर राज ठाकरे के पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, ये देखिए, उनको हिरासत में लेकर के पुलिस लेकर के जा रही है। और इनका कसूर यह है कि इन्होंने ये कहा कि हम अजान के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लाउड अजान करेंगे, उस लाउड अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, शालिनी कपूर तिवारी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, साथ ही हितेन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हितेन चूंकि राज ठाकरे के घर के बाहर हैं, मैं शालिनी आपके पास आऊं, इसलिए पहले हितेन आपके पास आऊंगा। क्या निर्देश और आदेश दिए जा रहे हैं हितेन राज ठाकरे के घर से इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, राज ठाकरे ने सीधे तौर पे यही से अभी थोड़ी देर पहले वो ट्वीट किया था जिसमें बाला साहब ठाकरे सालों पहले बोले थे कि मेरी सरकार बनते ही सड़क पर नमाज और लाउडस्पीकर पर अजान में पूरी तरह बंद करवा दूंगा। यानी कि एक सेंटिमेंटल मैसेज शिवसैनिकों को अब देने की कोशिश कर रहे राज ठाकरे कि आप बाला साहब के निर्देश का पालन करिए, बाला साहब की ये बाला साहब का ये सपना था, वो हमें पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार जब मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है, कई 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को तड़ीपार कर चुकी है 15 दिनों के लिए, कल ही कई कार्यकर्ता जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, 200 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में राज ठाकरे जो है अपने कार्यकर्ता जहां एक तरफ हिरासत में हो रहे, कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई तड़ीपार हो रहा है, तो शिवसैनिकों को जगाने की कोशिश कर रहे कि आप भी मैदान में उतरिए, आप भी हिंदू है, आप बाला साहब का सपना आपको भी पूरा करना है। तो ये एक अब माइंड गेम जो है, माइंड पॉलिटिक्स खेलने की एक कोशिश की जा रही है। तो दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख तक का जो समय है, 8 जून तक का जो समय राज ठाकरे के पास है सांगली वाले मैटर में 2008 के, वो जा सकते हैं सांगली कुछ दिनों में और हाजिरी देकर वो वारंट भी कैंसिल करवा सकते। लेकिन कल ही सांगली कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि आप एग्जीक्यूट करवाइए और आप गिरफ्तारी करिए, गिरफ्तार। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है, वो भी सबसे पहले दर्शकों को बताते हैं। और बड़ी खबर दरअसल मुंबई से ही है। राज ठाकरे के ऐलान के बाद मुंबई में हनुमान पाठ शुरू हो गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त राज ठाकरे ने ऐलान किया और मुंबई के चारकोप में एमएनएस ने बजाई हनुमान चालीसा। मस्जिद के सामने चारकोप में बजाई गई हनुमान चालीसा, अजान के जवाब में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई गई है। पुलिस के नोटिस के बावजूद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, तो एक बड़ी बात है। और ये बड़ी बात क्या है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि राज ठाकरे ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। मैं सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहा हूं, शालिनी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, बड़ी बात यह है कि एक राज ठाकरे ने एक वीडियो ट्वीट किया और उस वीडियो में बाकायदा, वो चूंकि वीडियो मराठी में है, उसका हिंदी तमाम जगहों पर है, और हिंदी में लिखा है कि बाला साहब ठाकरे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएंगे। उन्होंने कहा था हमारी सरकार आई तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा देंगे। इस वीडियो के बाद क्या शिवसेना फंस गई है या आगे क्या होने वाला है?
देखिए शिवसेना उस वक्त से ही फंस गई थी जब से राज ठाकरे की तरफ से ऐलान किया गया था कि लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए हमारी तरफ से जंग रहेगी। नवनीत राणा ने भी शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा दी। एक बात अगर अंजीत सीधे सीधे मैं समझाना चाहूँ तो राज ठाकरे इस वक्त हर तरह से विन विन सिचुएशन में है। अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो भी जीत राज ठाकरे की होगी। वो मन से जो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही थी, एक बार फिर से जान फूकी है राज ठाकरे ने उसके अंदर। और खास करके जो कहा जा रहा है कि बीएमसी इलेक्शन के लिए सब कुछ है, तो बीएमसी इलेक्शन में 227 सीट है जिसमें मनसे को 2017 में मात्र 7 सीट मिली थी जबकि 2012 में 27 सीट थी मनसे के पास। तो जो खत्म हो रही मनसे है, उनके कार्यकर्ता है, उनमें जान फूंकने की कोशिश है, उनकी गिरफ्तारी होती है तब भी उनकी जीत होगी। और अगर लाउडस्पीकर की आवाज जिस तरह से धीमी हो गई, और आज सुबह से हमने देखा है कि बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जिन्होंने खुद से लाउडस्पीकर उतार दिए या फिर उतारे नहीं है पर आवाज नहीं हुई है लाउडस्पीकर में, तो ये भी राज ठाकरे की जीत है। मतलब हर तरह से विन विन सिचुएशन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी एक्शन शिवसेना की तरफ से जो लिया जा रहा है वो यही संदेश दे रहा है कि हिंदू विरोधी है, तो जीत हर तरह से राज ठाकरे की है। ठीक है शालिनी और हितेन, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आगे लगातार आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे हमेशा से ये कहते रहे हैं कि आखिर जो शिवसेना कर रही है वो बाला साहब ठाकरे जो चाहते थे वो नहीं कर रही। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। चारकोप, नेरूल, मुंबा देवी, चांदीवाला, ये चार तस्वीरें आप देखिए यहां पर जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे मुंबई में ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो गया है। अल्टीमेटम खत्म, अब बारी आर पार की है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और अब उनके समर्थक डायरेक्ट एक्शन के लिए जुट चुके हैं। मुंबई के चारकोप, नेरूल, मुंबा देवी और चांदीवाला जैसी कई जगहों पर लाउड अजान के जवाब में लाउडस्पीकर पर जय हनुमान का गान शुरू हो गया है। दूसरी तरफ कई मस्जिदों के आगे राज समर्थक जुटकर लाउडस्पीकर बंद कराने की भी कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पनवेल में लाउडस्पीकर पर अजान नहीं हो पाई, जबकि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार राज ठाकरे की इस मुहिम की हवा निकालने में लगी है। राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में केस दर्ज किया गया तो 2008 के पुराने केस में गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। साथ ही उन्हें धारा 149 के तहत नोटिस दिया गया है जिसके तहत गिरफ्तारी तक हो सकती है। यानी राज पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है तो तीखी बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है। देखिए अल्टीमेटम वगैरह बात छोड़ दीजिए, यहाँ सरकार उद्धव ठाकरे जी की है। ये अल्टीमेटम ये नहीं चलता यहाँ। अल्टीमेटम की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, ठाकरे सरकार का शब्द चलेगा। तो अल्टीमेटम आपको अभी चुभने लगा है? माननीय राज साहब ने जो अल्टीमेटम दिया है वो सोशल कॉज के लिए दिया है। आप सरकार में रह के अगर उस सोशल कॉज को पूरा नहीं कर सकते तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। लाउडस्पीकर के खिलाफ राज ठाकरे के अभियान में शिवसेना को साजिश नजर आने लगी है। संजय राउत कह रहे हैं कि बाहर से लोगों को बुलाकर दंगे भड़काने की साजिश हो रही है, तो एमएनएस पूछ रही है कि हनुमान भक्तों को साजिश करता क्यों बताया जा रहा है। तो रस्ते पे नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं दी जा रही है। शिवसेना की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, ऐसे वो खुद को कहते हैं, और हनुमान चालीसा लोग पढ़ने जा रहे हैं उनको तड़ीपारी के नोटिस दे रहे हैं। तो ये तो हमें नहीं लगता ये बाला साहब की सरकार है। साजिश तो महाराष्ट्र के खिलाफ चल रही है, महाराष्ट्र से बाहर से कुछ लोगों को लाकर यहाँ दंगे भड़काने की साजिश चल रही है। खुद की ताकत नहीं है तो बाहर से लोग लाकर यहाँ महाराष्ट्र में ये कोई साजिश चल रही है, सुपारी का काम है। SRPF की 87 कंपनियों के साथ भारी तादाद में जवान तैनात किए गए हैं। राज ठाकरे के घर के बाहर पुलिस ने कंट्रोल रूम बना लिया है। इससे पहले राज ठाकरे ने हिंदुओं के नाम 3 पन्नों में मराठी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में संदेश दिया और कहा जहां लाउडस्पीकर पर अजान हो वहां हनुमान चालीसा करें, अगर वो अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तो हम भी जिद नहीं छोड़ेंगे। सभी हिंदू भाई अपनी हनुमान चालीसा उन्हें भी सुनाएं। हिंदू भाई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम चलाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके पिता बाला साहब ठाकरे का हवाला देते हुए चचेरे भाई राज ठाकरे ने अपने संदेश में लिखा, उद्धव ठाकरे जी, बाल ठाकरे ने कई साल पहले कहा था कि लाउडस्पीकर बंद होने चाहिए,
क्या आप उनकी बात मानेंगे या फिर सत्ता की कुर्सी पर बिठाने वाले शरद पवार की सुनेंगे? अपने संदेश की आखिरी लाइन में राज ठाकरे ने लिखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब साफ है, राज ठाकरे ने रार ठान ली है और ऐसे में दंगल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, वो एक एक सवाल आपके सामने रखते हैं। दस का दंगल में आज हम पूछेंगे, शिवसेना का अल्टीमेटम मॉडल अब एमएनएस का कॉपीराइट हो गया है। अगला सवाल, माहौल कौन बिगाड़ रहा है, राज ठाकरे या फिर शिवसेना? यह पूछेंगे आज दस का दंगल में। साथ ही पूछेंगे, कानून व्यवस्था के नाम पर हिटलर शाही चला रहे हैं क्या उद्धव ठाकरे? लाउडस्पीकर का समाधान निकालने में फेल हो गई है तीन पहिए की सरकार। अघाड़ी सरकार के सेकुलर लाउडस्पीकर का तार क्या कट चुका है? और आखिरी सवाल, शिवसेना क्यों लगा रही है दंगों की सुपारी का आरोप? ये तमाम सवाल जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मुंबई से बीजेपी प्रवक्ता श्वेता सालनी जुड़ रही हैं। साथ ही मेरे साथ राजपूंजी जुड़ रहे हैं, नेता शिवसेना। अश्विनी दुबे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजपूंजी आपसे, अब से थोड़ी देर पहले राज ठाकरे ने एक वीडियो ट्वीट किया, उसमें बाला साहब ठाकरे ये कहते हुए दिख रहे हैं, हमारी सरकार आ गई तो लाउड स्पीकर हटेंगे, लाउड स्पीकर बंद होंगे। शिवसेना उससे आगे क्या कर रही है? क्या शिवसेना वाकई फंस गई या कोई और बात है? नहीं, शिवसेना कहीं नहीं फंस गई। इस समय सरकार जो होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सरकार जो होती है हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लिए होती है। बराबर का अधिकार है इस देश में, ये नहीं कि किसी को हंटर से मारा जाए और किसी को फूलों से सजाया जाए, ऐसा तो होता नहीं। तो सबके लिए बराबर चलना पड़ता है। और सरकार के ऊपर जो एक लोगों की आपस में वो, जैसे अब श्वेता शालिनी जी हंस मुस्कुरा रही है इस समय, तो मैं तो यही पूछना चाहूंगा, श्वेता शालिनी जी, जहां जहां आपकी सरकार है वहां आपके किसी धर्म के लिए अलग से कानून बनाती है या एक जैसा ही कानून बनता है आपके लिए, हर धर्म के लिए अलग से बनाती है? तो हम तो इस प्रकार की नीति देखिए, हिंदुत्व हम श्वेता शालिनी जी एक राजद्रोह लगा रहे हैं और तमाम जगह इफ्तारी जो है, श्वेता शालिनी जी हम राजद्रोह नहीं लगा रहे हैं, राज ठाकरे जी कुछ कर रहे हैं, हम राजद्रोह नहीं लगा रहे हैं। ये राज ठाकरे जी जो है, जो आपकी एबीसीडी में केवल मात्र अल्टीमेटम की भाषा ही समझती है, याद रखिए, ये अल्टीमेटम की भाषा जो है ना, ये बाला साहब कर रही है ना, आप लोग असली सैनिक नहीं बचे, जनता पार्टी राजनीति कर रही है, वो गलत है, सैनिक ही नहीं बचे, याद करिए, इसी बात का तो आह्वान कर रहे हैं राज ठाकरे जी। बल्कि मुझे तो इस बात का गुमान है, शर्म आती है ये सोच के, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों ने कम कर दिया, लाउडस्पीकर हटा दिया, आजान नहीं पड़ी, लेकिन आप लोग तस्सलस नहीं हुए। जब तक हनुमान जी इस लंका में आग नहीं लगाएंगे, तब तक आप लोग कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। नहीं 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 नहीं, आप कुर्सी छुड़वाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। लंका दहन होने वाली है राज जी, कुर्सी बचा लीजिए, लंका दहने वाली है, आग लग चुकी है और ये आग जनता के दिल में लगी है, क्योंकि आप लोग समानता में विश्वास ही नहीं करते हैं। अरे हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को आप लोग उठवा रहे हैं आजकल, मुंबई पुलिस बुलाने के लिए आशीष जी 100 नंबर डायल करने की जरूरत नहीं है, आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए, पुलिस आपको आके लेके चली जाएगी। आप नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ कौन नहीं कर रहा, हर कोई करता, आप भी करती हैं। अरे सब जो जो कर रहे हैं आप सबको उठा के जेल में बंद कर रहे हैं। राज जी जाके देख लीजिए आज सुबह से क्या हो रहा है, कल रात से क्या हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ मैं तो रोज करता हूँ, हर कोई अपने घर पे पूजा पाठ करके चलता है। मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास, प्रेम कुमार जी मुझे एक बात बताइए, मैं प्रेम कुमार जी को भी शामिल कर रहा हूँ और अश्विनी जी को भी शामिल कर रहा हूँ। प्रेम कुमार जी मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र में कह रहे हैं दंगों की सुपारी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, ये तो आपकी सरकार का फेलियर है ना सर। सुपारी ऐसा है राजीव जी, महाराष्ट्र में नाकाम हो गए जो है ना, प्रेम कुमार जी वो अलग प्रकार की सुपारी ही खाने लग गए हैं, इसीलिए उनको दंगों की सुपारी लग रही है। प्रेम कुमार जी, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले क्या दंगा करेंगे? आपको लग रहा है ये सरकार ऐसी है जो जिसको लग रहा है कि शक्ति बनने की कोशिश की, समांतर प्रशासनिक शक्ति बनने की कोशिश की, लेकिन उद्धव सरकार ने उन कोशिशों को नाकाम कर दिया है। आज कहीं भी ऐसी घटना नहीं घटी है कि मस्जिद के सामने जाके कोई नमाज पढ़ सके, इसको बहुत तरीके से उद्धव अश्विनी जी, क्या ये कानूनन अपराध है क्या कि भाई अगर अगर कोई ये कह रहा है हम तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये कोई विवाद है क्या?
ये बिल्कुल कानून पर चुनौती देना है। लैंड क्या है, कोई कानून का कोई लाउड स्पीकर हटाने वाली शक्ति 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आरसी लाहौटी और जस्टिस अशोक भान ने जजमेंट दिया और जजमेंट ने कहा कि राइट टू स्लीप विद पीस एक फंडामेंटल राइट है। पॉइंट वन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी राज ठाकरे का अधिकार है कानून जो डेसिबल लिमिट डिसाइडेड है उससे लिमिट से ज्यादा शोर प्रकाशन हटाएगा कि राज ठाकरे हटाएंगे फंडामेंटल राइट वाले होता है। पॉइंट नंबर तीन, कानून तो सब जानते हैं इलाकों में ध्वनि का स्तर दिन में 75 डेसिबल रात में 70 डेसिबल से अधिक नहीं होगा। कमर्शियल इलाकों में दिन में 65 डेसिबल रात में 55 डेसिबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल रात में 45 डेसिबल शोर का स्तर होगा और साइलेंस जोन में 50 कानून हाथ में लेने का अधिकार है कि नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉइज पॉल्यूशन से नर्वस सिस्टम फेल हो सकता है, आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है, आपका काम की आवाज आ सकती है। तो क्या मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो 60 सेकंड का जो अजान चलता है डेसिबल लिमिट क्रॉस करके क्या कानून के मद्देनजर है? नंबर दो, इस देश के संविधान में साफ तौर पर आर्टिकल 21 में कहा गया है कि शांति में रहना आपका फंडामेंटल राइट है और राइट टू लाइफ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम मैं मुझे 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 एक बात बताइए शालिनी, श्वेता शालिनी मुझे एक बात बताइए, श्वेता शालिनी मुझे एक बात बताइए भाई, क्या वो ये कहते हैं उद्धव ठाकरे ये कहते हैं उनकी सरकार चाहे संजय राउत हो चाहे वो लोग, वो कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी की साजिश की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप लोग क्यों साजिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? आपको पच नहीं रहा है सरकार चल रही है? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इतने 500-600 सालों पहले कबीरदास ने लिखा कि कंकर पत्थर बांध के मस्जिद लिए बनाए, ताप चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए, तो कबीरदास भी बीजेपी के कार्यकर्ता ही होंगे जो उन्होंने लिख दिया है। क्यों राजपूंजी हर चीज में हम राम के साथ, हम हिंदुत्ववादी पार्टी है, हम राम के साथ खड़े हैं, हनुमान के साथ खड़े हैं। अब हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं तो इसमें हम क्यों हनुमान जी का साथ ना दें? लंका तो होती है दहन करने के लिए। आप लोग रावण के पक्ष में खड़े हैं, ये आपको सोचना चाहिए ना। आप हनुमान भक्तों को अगर ये कह रहे हैं कि वो सुपारी लेके आए हैं तो जनता को पता चल ही जाएगा कि आप सुपारी खा के आए हैं। आप ये समझिए राज जी, आप ये समझिए हनुमान चालीसा पढ़ने में एक महिला को आपने राजद्रोह लगा लिया। अब आप बताइए कि आप जनता क्या सोचेगी आपके बारे में? आज आज देख लीजिए आपके बाला साहब को मानते हैं कि नहीं? उनको भी आप लोगों ने ना समझ कह दिया, उनको भी कह दिया कि वो बोले थे। अब बाला साहब ने ये बात कही कि हमारी सरकार जिस दिन आएगी उस दिन हम लाउड स्पीकर हटवा देंगे, तो अब कह दीजिए कि हमारी सरकार नहीं है, ये हमारी शिवसेना नहीं है, ये बाला साहब को हम मानते नहीं, बाला साहब की शिवसेना नहीं है। एक अलग से कानून बना दिया जाए तो जब हम कहते हैं कि ये कांग्रेस की सेना है, जब ये शव सेना है तो क्यों मानते नहीं आप लोग? मान लीजिए ना बात। लेकिन राजपूत जी मुझे एक बात तो बताइए, मुझे राजपूत जी मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ और महाराष्ट्र के लोग बाकी देश के लोग भी ये सवाल आपसे पूछना चाह रहे होंगे, आप जवाब जानना चाह रहे होंगे। बाला साहब ठाकरे ने कहा था जो अभी ट्वीट किया वीडियो राज ठाकरे ने, वो सही कहा था या गलत कहा था? नहीं, देखिए बाला साहब ठाकरे जी को मैं कहा, बाला साहब ठाकरे जी जो हिंदू हृदय सम्राट रहे और पूरे आज भी उनके गुणगान होते हैं पूरे देश के अंदर क्या विदेशों तक, तो मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन दूसरी बात ये, अरे आप लोग गुणगान नहीं कर रहे, आप उनके दिखाए पथ पर नहीं चल रहे। मान लीजिए ना आप बाला साहब के शिव सैनिक नहीं है, आप मान लीजिए ना कि आप कांग्रेस की सेना हो गए हैं, आप मान लीजिए ना कि अब शुभ सैनिक जो बाला साहब के थे खत्म हो गए हैं, हम कहां कुछ और कह रहे हैं? आप कह दीजिए ना कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है, क्यों आके कह रहे हैं कि हम घंटाधारी हैं, फलादारी हैं, हम हिस्सेदारी हैं? आप लोग गदादारी हैं, गधे की तरह जो कॉलिंग कहते हैं वो सुनते हैं। हमने कभी भगवा से हमें एलर्जी नहीं, आपको हो सकती है, आप अपना चोला बदल सकते हैं, हमने नहीं बदला। कैसे भगवादारी है जो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल के अंदर डाल रहे हैं? मैं आप सबके पास लौट रहा हूँ, आगे चर्चा करूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर जाना जरूरी है। मैं आ रहा हूँ राजपूत जी और शालिनी, मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आज से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, साउथ दिल्ली में अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, 13 मई तक ये बुलडोजर चलेगा, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। आज MB रोड से हटाया जाएगा अतिक्रमण, 9 मई को शाहीन बाग में अवैध कब्जा हटाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं,
बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, आपको बता दें एमसीडी ने तैयारी कर ली है और आज से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। साउथ दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, 13 मई तक चलेगा अवैध कब्जे पर बुलडोजर। आज एमबी रोड से हटाया जाएगा अतिक्रमण और इसी को लेकर के सारी तैयारियां लगभग एमसीडी ने पूरी कर ली। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। मुंबई भी आपको लिए चलेंगे, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी जारी है 10 का दंगल। और बड़ी खबर इस बीच दिल्ली से आ रही है, दिल्ली में आज से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। साउथ दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, 13 मई तक चलेगा अवैध कब्जे पर बुलडोजर। आज एमबी रोड से हटाया जाएगा अवैध कब्जा, 9 मई को शाहीन बाग से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। और 10 का दंगल लगातार जारी है। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले दरअसल ये बड़ी खबर लाउडस्पीकर विवाद से जुड़ी हुई है, बड़ी और अहम खबर आ रही है, आपको बताते हैं। अहम खबर यह है कि ठाकरे में ठन गई, लाउडस्पीकर विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं। लाउडस्पीकर विवाद से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मनसे नेता योगेश शेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सानपाड़ा पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं की धरपकड़ लगातार जारी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मेरे सहयोगी शिवम इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, साथ ही मीनाक्षी भी इस वक्त मौजूद है। मीनाक्षी, बड़ी बात यह है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी एक के बाद एक लगातार हो रही है। बिल्कुल अंजीत, देखिए जिस तरह चेतावनी दी थी पहले राज ठाकरे ने, उसके बाद आज सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग मस्जिदों के सामने जो समर्थक है राज ठाकरे के एमएनएस के, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इस बीच पुलिस भी कल से ही देखिए तैयारी अपनी कर चुकी थी और आज जहां जहां गड़बड़ी करने की कोशिश हो रही है, पुलिस ने साफ कहा था वहां वहां गिरफ्तारियां भी होंगी। इस बीच देखिए बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो लगातार आप कह सकते हैं आज पूरे दिन इस तरह की गहमागहमी, इस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र से मुंबई से सामने आती रहेंगी। अंजीत, जहां जहां भी इस तरह की चीजें होंगी, गड़बड़ी होगी, कानून का पालन नहीं किया जाएगा, सड़कों पर आकर बिना परमिशन के हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश या फिर लाउडस्पीकर पर बजाने की कोशिश होगी, तो वहां पर गिरफ्तारी होगी और पुलिस की कार्रवाई से कोई बच नहीं सकेगा। ये कल ही एक नोटिस के जरिए भी महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस साफ कर चुकी थी और कार्रवाई भी उसी तरीके से हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ आप लगातार देख सकते हैं महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ लाउडस्पीकर का मामला है तो दूसरी तरफ अंजीत नवनीत राणा का मामला, वो भी गरमाया हुआ है। आज सेशन कोर्ट में सुनवाई है, उनकी बेल पर आज सुनवाई होगी और क्या उन्हें आज बेल मिलती है, सुनवाई कि देखिए पहले हो चुकी है, आज फैसला जो है कोर्ट की ओर से वो सुनाया जाएगा। ऐसे में बड़ी बात यह है कि आज क्या बेल मिलती है, चलिए आज बेल मिलती है नहीं मिलती है, ये बड़ी बात है। हितेन भी मेरे साथ हैं, वो भी तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं और वो राज ठाकरे के घर के बाहर हैं, उनसे सवाल करें। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। दरअसल राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद मुंबई में सियासी हलचल तेज हो गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी हलचल तेज होने के बाद से बताया ये जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेताओं से मिलेंगे शरद पवार, एनसीपी प्रमुख है शरद पवार, और सहद्यादी गेस्ट हाउस में अब से थोड़ी देर बाद बैठक होगी। मीटिंग में अजीत पवार, बाला साहब थराट भी मौजूद रहेंगे। सूबे के मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा होगी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सियासी हालात पर चर्चा होगी। और सीधे एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करें, मेरे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मीनाक्षी और हितेन। हितेन, बड़ी बात यह है और यह समझना चाहते हैं आपसे कि यह बैठक बुलाई गई, इस बैठक में क्या होगा, सियासी हलचल, सियासी तौर पर यह बैठक किस मायने में है? देखिए बहुत मायने में ये अहम हो जाती है ये बैठक, क्योंकि शरद पवार देखिए एक तरफ से इस पूरी महाराष्ट्र सरकार को एक रिमोट के जरिए कंट्रोल करते अब तक ये कहा जाता था, इसीलिए शरद पवार ने ये महाविकास आघाड़ी के तमाम प्रमुख चेहरों को जो है फिर एक बार बुलाया है। क्योंकि देखिए आज के दिन सिर्फ ये नहीं हो रहा है, ये यहाँ से जो ऐलान किया गया था शिवतीर्थ से कि आप लाउडस्पीकर के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़िए, ये एक दिन के लिए नहीं है। राज ठाकरे ने क्या कहा था, जब तक लाउडस्पीकर हटेंगे नहीं, परमानेंट बंद नहीं होंगे, तब तक ये चलते रहना चाहिए। यानी कि ये मुसीबत है महाराष्ट्र सरकार के लिए एक, कि आज अगर शांति से चल रहा है तो ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, हो सकता है एक हफ्ते के बाद 15 दिन के भीतर कुछ हो जाए, यानी कि महाराष्ट्र में से खतरा टला नहीं है। लेकिन इसीलिए महाराष्ट्र में तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर क्या रणनीति बनाएंगे राज ठाकरे?
देखिए राज ठाकरे तो रणनीति अपनी साफ कर चुके हैं, उन्होंने इमोशनल गेम कार्ड जो है वो खेल लिया है कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके तड़ीपार कर देंगे, कोई बात नहीं, हम शिवसैनिकों को जगाएंगे। बाला साहब का वीडियो यही से ट्वीट करके जाहिर कर दिया कि आप मेरा मत सुनिए, उद्धव ठाकरे का मत सुनिए, बाला साहब का तो सुनिए। कट्टर शिवसैनिक मुंबई में जितने भी है या महाराष्ट्र में जितने भी है, वो सब बाला साहब के आदेश के नाम पर बाला साहब के आदेश का पालन करते, ये हर किसी ने तस्वीर देखी है। इसीलिए ये कार्ड खेला गया राज ठाकरे की तरफ से कि चलो अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं है तो शिवसैनिक, कम से कम ये वीडियो देखने के बाद शिवसैनिक सड़कों पर उतरेंगे। और जो उनको एक मैसेज दिया गया कि आप उद्धव ठाकरे की, चलिए हितेन और मीनाक्षी आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आगे आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो ट्वीट किया बाला साहब ठाकरे को लेकर के राज ठाकरे ने, और सीधे सीधे आपको बता दें कि यह सवाल बार बार उठ रहा है, राजपूत जी लोग पूछ रहे हैं, कह रहे मत मानो राज ठाकरे की बात, मत मानो किसी की, बाला साहब ठाकरे की बात तो मान लो। देखिए अब पिछले 1144 जो मस्जिदें थी मुंबई के अंदर, वहां पे 803 ने तो अपनी वहां पे जो नियमावली गया है उसके हिसाब से लाउडस्पीकर की परमिशन ले ली है। अब और लोग भी लेने के लिए वहां पे चल रहे हैं जो अपने हिसाब से चल रहे हैं, कानून के हिसाब से लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कानून के हिसाब से बात नहीं करना चाहता कोई दूसरा, बोल सकते हैं श्वेता शालिया, लड़ाई करके ऐसा है आशीष जी, इन्होंने लगभग 1000 मस्जिदों को एक दिन में लाउडस्पीकर की परमिशन दिए, एक दिन में किसी मंदिर को दिए क्या आज तक? यहाँ इनकी सरकार नाकामयाब रही है, बल्कि मैं तो अभिनंदन करना चाहूंगी उन मस्जिदों का, उन मुसलमान भाइयों का जिन्होंने अजान कम आवाज में पढ़ी आज सुबह, लेकिन फिर भी इनका तो इनकी अगर चलती है महाविकास अगाड़ी सरकार की अगर चलती है तो ये समाज विरोधी है, ये महाराष्ट्र के लोगों के विरोधी है, ये कतई नहीं चाहते थे। इन्होंने तो बल्कि इलीगल लाउडस्पीकर को एक दिन में लीगल कर दिया। तलवार उठवानी है, आपको धंधा कराना है, मैं आपको बोल रही हूँ किस मुंह से जनता के पास जाएगी? भगवा की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, कायदे की बात करते हैं, कहाँ का कायदा? आप लोगों ने एक दिन में कितने इलीगल लाउडस्पीकर्स को इलीगल लाउडस्पीकर में कन्वर्ट किया बताइए जनता को कि आपने 1000 एक दिन में का अप्रूवल दिए? ये सरकार करेगी आप तक आएगा, आपने जो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी है वो आपके लिए उसके लिए बाधित नहीं है, आप कर सकते हैं इनको जो भी। राजपूंजी मुझे एक बात बताइए राजपूंजी, मैं बड़ा सीधा सा सवाल कर रहा हूँ राजपूत जी, बड़ा सीधा सा सवाल आपसे कर रहा हूं कि आपको ये लगता है क्या कि आप ऐसे गिरफ्तारियां करेंगे तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ देंगे, आप दबाव बना लेंगे? शायद ये संभव नहीं है सर। और आप माने ना माने राजपूत जी, मुझे नहीं पता आप माने ना माने, मैं तो कहता हूं कानून का सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन आप माने या ना माने, लेकिन आप गलत शायद मैसेज दे रहे हैं। आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तारी कर रहे हैं, हिरासत में ले रहे हैं, तो शायद ये गलत संदेश है सर, ये आपको तय करना है क्योंकि आप पार्टी चला रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र। राज जी फिर मनसे के कार्यकर्ताओं को नोटिस क्यों मिली? 149 के तहत उनको नोटिस क्यों मिली? क्यों आपने आधे लोगों को तड़ीपार किया? अगर आप हनुमान चालीसा के खिलाफ नहीं है तो मनसे के कार्यकर्ता क्यों तड़ीपार किया आप लोगों ने? क्यों नोटिस दिया? केवल मात्र इतना तो कह रहे थे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, यदि आप लाउडस्पीकर नहीं हटवाएंगे तो आप लोगों ने लाउडस्पीकर को लीगलाइज करवाया और इनको तड़ीपार करवाया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और जनता को किस मुंह से जनता का सामना करेंगे? नहीं सर, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, बात तो सिर्फ इतनी सी है सर, बात सिर्फ इतनी सी है भाई, एक तरफ ये मैसेज जा रहा है राजपूत जी, आप देखिए आपको सरकार चलानी है, आपको तय करना है, शरद पवार ने बैठक बुलाई है, सियासी माहौल पर आप तय करिए सर, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये मैसेज जा रहा है कि बाला साहब की बात नहीं मानते उद्धव ठाकरे, ये मैसेज जा रहा है हनुमान चालीसा पढ़ने पर महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हो रही है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की हर चीज हमारे अंदर, तो सर उन्होंने कहा था सरकार आ जाएगी तो लाउडस्पीकर हटा दो फिर, अगर मान रहे बात तो ये बोल बच्चन तो आपके ऊपर से नीचे सारे लोग हैं, आप जो दिखा रहे हैं वो देखिए, आपने हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को सोचने वालों तक पर राजद्रोह लगा दिया, आपने मनसे के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं तड़ीपार किया, आपने लोगों को नोटिस दिया, आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आज जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हैं, आप फिर भी कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं? मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूँ, अश्विनी दुबे मुझे एक बात बताइए कि ये तो एक मैसेज है ना, और इस पर चर्चा भी हम कर रहे हैं, राजपूत जी उसको नकार रहे हैं, लेकिन ये मैसेज तो राज ठाकरे कम से कम देने में कामयाब हो गए कि भाई बाला साहब ठाकरे की बात नहीं मानते उद्धव ठाकरे।
निश्चित तौर पर फाउंडेशन ही शिवसेना का इस बात पर आधारित था कि वो शिवाजी के सिद्धांतों पर चलेंगे, वो हिंदुओं की बात करेंगे और हिंदू हितैषी हृदय सम्राट के रूप में पूरे देश में बालासाहेब ठाकरे पूजे जाते हैं। और आज अगर उनका वीडियो सामने आया तो निश्चित तौर पर ये एक इमोशनल कार्ड है और खास तौर से उनका जो विजन था वो विजन पब्लिक के सामने आया है। अब मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ, प्रेम कुमार जी का माइक थोड़ा नीचे कर दीजिए, 50 सेकंड तक मुझे बोलने दीजिए, मैं लीगल महत्वपूर्ण पहलू पर बात कर रहा हूँ ताकि प्रेम कुमार जी डिस्टर्ब नहीं करें। शांति से रहने का अधिकार मौलिक अधिकार है। लाउड स्पीकर या कोई भी यंत्र अगर सार्वजनिक स्थान पर डेसिबल लिमिट से बजाया जा रहा है पिछले कई वर्षों से तो ये मान के चलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की 2005 की जजमेंट की अवहेलना है। उसके बाद अगस्त 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देकर कोई भी धर्म यह नहीं कह सकता कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार है। जून 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा नहीं सर, उनका लॉजिक अलग है, मैं आपको बताता हूँ उनका लॉजिक क्या है। वो ये कहते हैं कि जो कोर्ट ने पैमाना तय किया जितने डेसिबल पे बजाने का, हम उतने पे ही बजाते हैं। यहाँ पेज फंस जाता है तो फिर बाहर आवाज आनी ही नहीं चाहिए। प्रेम कुमार जी यही तो लॉजिक है ना, प्रेम कुमार जी तो फिर तो आवाज। मेरा कहना साफ है, ये वकील है अश्विनी जी, इस पर एक शब्द नहीं बोलते कि क्या इस देश में किसी को पैरेलल संवैधानिक संस्था बनने का अधिकार है, पैरेलल प्रशासनिक प्राधिकरण बनने का अधिकार है, कानून हाथ में लेने का अधिकार है, क्या राज ठाकरे बजरंग दल बीजेपी तय करेंगे कि ये कानून कैसे लागू होगा, लाउड स्पीकर हटना चाहिए। एक शब्द में बोलिए ना, इन लोग का अधिकार है क्या कि लाउड स्पीकर हटवाएं? लाउड स्पीकर हटाने का अधिकार प्रशासन का है, कानून लागू कराने का अधिकार प्रशासन का है। ये लोग कानून से इतर शक्तियां कानून को हाथ में ले रही, इस पर अश्विनी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलते, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की बात की उनका जो बयान आया दिखा रहे हैं और उनकी बात नहीं मानी जा रही। बाला साहब ठाकरे के जीवित रहते हुए शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी, अब ऐसा नहीं है कि पहली बार शिवसेना की ठीक बात है, सही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी वो ऐसी बातें नहीं हुई कि कानून तोड़ करके बाला साहब ठाकरे नहीं सर, कानून तोड़ने की बात तो कोई नहीं कर रहा है। कानून तोड़ने की बात तो अगर कोई करे तो कानून उस पर कार्रवाई करे, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं ये सवाल राजपूंजी से लेना चाह रहा था लेकिन आपसे ही पूछ लेता हूं। शिवसेना नेता संजय राउत ये कह रहे हैं कि दंगों की सुपारी ली गई है महाराष्ट्र में। सर सरकार आपकी है, आप पकड़ लीजिए उनको जिन्होंने सुपारी ली है, कि आप केवल तमाशा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। देखिए संजय राउत अपना अपनी बात बोल रहे हैं, उनका रोकना उनकी सरकार का काम है, लेकिन ये है कि महाराष्ट्र में दंगे नहीं होने दिए जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन मुस्तैद है। जहां पर प्रशासन की मिली श्वेताशाली ये दंगे हमेशा देश में ये प्रायोजित तरीके से होते हैं। और देखिए ऐसा है, ऐसा है आशीष जी, अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने के लिए कानून अलाउ करता है क्या? मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, संविधान में विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका है कि यदि सरकार गलत कर रही है और खासकर एक समुदाय के साथ गलत कर रही है, एक समूह के साथ गलत कर रही है, आप नमाज रास्ते पर पढ़ सकते हैं, गाड़ियों को रोक कर वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, आप सामाजिक एक दुविधा डाल सकते हैं जहां पर लोगों को 500 प्रॉब्लम होती है तेज आवाज से जब अजान होती है, और एक बार नहीं 5 बार होती है। मैं तो इसका धार्मिक मुद्दा ले भी नहीं रही हूँ। धार्मिक मुद्दा यदि मुझे लेना होता तो मैं कहती कि अजान ये कहता है कि भाई अल्लाह से बड़ा कोई नाम नहीं है, और मैं हिंदू हूँ मुझे ये सुनना क्यों चाहिए? मैं सामाजिक मुद्दा ले रही हूँ, सामाजिक मुद्दा, मेरे बच्चे को एग्जाम है और एग्जाम के बीच आप 5 बार दिन में मेरे बुजुर्ग माता पिता सो नहीं पाते हैं, 5 बार दिन में आप यदि आवाज इतनी तेजी से चलाते हैं तो वो मुझे मंजूर नहीं है? क्या ये संविधान कहता है कि हम विपक्ष होकर इसके प्रति आवाज भी नहीं उठा सकते? प्रेम कुमार जी के मुताबिक तो हम चुपचाप बैठे रहे, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या सरकार यहाँ पर तुष्टिकरण की सरकार है? मान लीजिए फिर पास जी से पूछ लीजिए कि तुष्टिकरण की सरकार है, या फिर कह दीजिए कि नहीं हम राजा महाराजा के अनार्की में आ गए हैं। चलिए प्रेम कुमार जी, मेरे पास समय इतना ही था इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दस का दंगल में शामिल होने के लिए। लेकिन ये शिव सैनिकों को तय करना है कि वो किसकी बात मानते हैं, वो बात मानते हैं बाला साहब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन राज ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला है और वीडियो ट्वीट करके कहा है कि बाला साहब ठाकरे ने यह कहा था,
कि सरकार आई तो लाउड स्पीकर हटेगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो बीजेपी के साथ पहले भी सरकार रह चुकी है, तब तो ऐसी बात नहीं हुई थी, अब क्यों ऐसा हो रहा है? ये आने वाले वक्त में तय होगा कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत आगे बढ़ेगी। दस का दंगल में इतना ही, रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए। बात बोल रहे हैं उनका रोकना उनकी सरकार का काम है, लेकिन ये है कि महाराष्ट्र में दंगे नहीं होने दिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन मुस्तैद है। जहां पर प्रशासन की मिली भगत, ये दंगे हमेशा देश में ये प्रायोजित तरीके से होते हैं। और देखिए ऐसा है, ऐसा है आशीष जी, अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने के लिए कानून अलाउ करता है क्या? मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, संविधान में विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका है कि यदि सरकार गलत कर रही है, और खासकर एक समुदाय के साथ गलत कर रही है, एक समूह के साथ गलत कर रही है, आप नमाज रास्ते पर पढ़ सकते हैं, गाड़ियों को रोक कर वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं, आप सामाजिक एक दुविधा डाल सकते हैं, जहां पर लोगों को 500 प्रॉब्लम होती है तेज आवाज से जब अजान होती है, और एक बार नहीं 5 बार होती है। मैं तो इसका इसका धार्मिक मुद्दा ले भी नहीं रही हूँ। धार्मिक मुद्दा यदि मुझे लेना होता तो मैं कहती कि अजान ये कहता है कि भाई अल्लाह से बड़ा कोई नाम नहीं है, और मैं हिंदू हूँ, मुझे ये सुनना क्यों चाहिए? मैं सामाजिक मुद्दा ले रही हूँ, सामाजिक मुद्दा, मेरे बच्चे को एग्जाम है, और एग्जाम के बीच आप 5 बार दिन में, मेरे बुजुर्ग माता पिता सो नहीं पाते हैं, 5 बार दिन में आप यदि आवाज इतनी तेजी से चलाते हैं तो वो मुझे मंजूर नहीं है? क्या ये संविधान कहता है कि हम विपक्ष होकर इसके प्रति आवाज भी नहीं उठा सकते? प्रेम कुमार जी के मुताबिक तो हम चुपचाप बैठे रहे, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या सरकार यहाँ पर तुष्टिकरण की सरकार है? मान लीजिए फिर पाल जी से पूछ लीजिए कि तुष्टिकरण की सरकार है, या फिर कह दीजिए कि नहीं हम राजा महाराजा के अनार्की में आ गए हैं। चलिए प्रेम कुमार जी, मेरे पास समय इतना ही था, इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दस का दंगल में शामिल होने के लिए। लेकिन ये शिवसैनिकों को तय करना है कि वो किसकी बात मानते हैं, वो बात मानते हैं बाला साहब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन राज ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला है और वीडियो ट्वीट करके कहा है कि बाला साहब ठाकरे ने यह कहा था कि सरकार आई तो लाउड स्पीकर हटेगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो बीजेपी के साथ पहले भी सरकार रह चुकी है, तब तो ऐसी बात नहीं हुई थी, अब क्यों ऐसा हो रहा है? ये आने वाले वक्त में तय होगा कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत आगे बढ़ेगी। दस का दंगल में इतना ही, रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए। सिंह साहब